बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसिफ नाम का व्यक्ति रहता था। उसके मां बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए नहीं होता था, वो रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक वसीम नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि आसिफ अपना गुजारा सही से कर रहा है, तो उसने एक दिन आसिफ की मुर्गी चुरा ली। उसके बाद वसीम मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब आसिफ घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा, तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख वसीम के घर के बाहर देखे। उसने वसीम से बात की तो वसीम ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़कर लाई थी, मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी मुर्गी है। आसिफ ने वसीम से कहा कि वो इसकी शिकायत न्यायिक अधिकारी से करेगा। ये बात सुनकर वसीम ने मुर्गी की जगह आसिफ को एक छोटी सी बत्तख दी। आसिफ ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वो बत्तख बड़ी हो गई और अंडा देने लगी। एक रात जब बहुत बारिश हो रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए वसीम के घर पहुंचा, लेकिन वसीम ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वो आसिफ के घर गया। आसिफ ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वो आसिफ के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने आसिफ की बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया, तो वो सोने का था। आसिफ ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देती, वो सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर आसिफ की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वो साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन वसीम ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वो न्यायिक अधिकारी के पास गया। वो न्यायिक अधिकारी से बोला कि आसिफ ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया। जब न्याय अधिकारी ने आसिफ से पूछा, तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह वसीम ने ही उसे बत्तख दी थी। न्यायिक अधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायिक अधिकारी के पास भी सोने का अंडा दे दिया। अगले दिन न्यायिक अधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग अलग दोनों से पूछताछ की गई और आसिफ ने न्यायिक अधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का ही अंडा देती है, जबकि वसीम ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायिक अधिकारी ने एक नई बत्तख लेकर वसीम को दे दी और आसिफ को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। आसिफ दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। अब इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बिना किसी रीजन के सभी को प्यार करते हैं, तो वो लौटकर आपकी जिंदगी को ही सुंदर और खूबसूरत बनाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में चार पंडित रहते थे। उनमें काफी गहरी मित्रता भी थी। ये सभी शास्त्र पारंगत थे
लेकिन उनमें से तीन शास्त्र ज्ञानी तो थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा शास्त्रों का थोड़ा कम ज्ञानी था किंतु बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। एक बार चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है जब वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने अपने एक मित्र का उपहास उड़ाते हुए कहा, हम चारों विद्वानों में एक तुम कम ज्ञानी हो, जबकि धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, अतः हम अपने धन का कोई भी भाग तुमको नहीं देंगे। चाहो तो संग चलो या फिर वापस चले जाओ। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया किंतु तीसरे ने कहा, ये बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे इसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराए की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात सुनकर बाकी मित्र भी मान गए। चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े थे। तीनों विद्या अभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी शिक्षा की परीक्षा करें। शास्त्र के ज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। ये कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में शास्त्र के ज्ञान से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। ये जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। शास्त्र के ज्ञानी मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वो बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन क्षणवत ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। ये कहकर वो वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों शास्त्रों के ज्ञानियों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे।